उसके पसीने सब में। नोटिस कर लिया मैम, मैंने सपनली थ्रेटन एंड ना जाने क्या क्या गंदी गंदी गाली। गाइस अभी के टाइम पे टिगर इंसान कुछ लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा नाराज है। जो लोग सामने से टिगर इंसान को तो भाई बोलते हैं, लेकिन गाइस जब फुकरा इंसान को सपोर्ट करने का टाइम आया, उन लोगों ने फुकरा इंसान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो कल टिगर इंसान जब अपने भाई फुकरा इंसान के सपोर्ट में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो इसके बारे में उन्होंने बात किया था, आप खुद देखिए। जिन्होंने दिल से सपोर्ट किया ना भाई, सब नोटिस कर लिया मैम, मैंने सबके नाम लिख के रखे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, किस किसने दिल से सपोर्ट करा है, किस किसने एक्चुअली में यू नो जो हमें लगता था फ्रेंड्स हैं एंड दे। अरे निश्चय भाई तो हम लोग भी है ना, वो कहते हैं ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। अरे बिल्कुल यार वजाद भाई, आपने केकेएल ने जितनी मैक्सटन ने जितनी गालियां खाई है ना जस्ट फॉर सपोर्टिंग अस, भाई बोलूंगा नहीं मैं कभी। भाई एक ना एक 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 वो बहुत अच्छी सी एक पंक्ति है जो मैंने बचपन से सुनी है कि एक जो फूल होता है बढ़ता हुआ, उसको पानी देने वाले लोग कम होते हैं और उसको उखाड़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो हम जो पानी देने वाले लोग हैं ना, वो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हाथ रुकने नहीं चाहिए पानी देने के लिए। खूब गाली खाई मेरी माँ, गालियां तो मैंने पिछले कितने 6 7 8 जितने भी साल हो गए अब तो याद भी नहीं आ रहा, इतने सालों में इतनी गालियां खाई है ना मेरे को, अब तो भाई ऐसा हो गया था कि हाँ कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट देखो गाली देने का और गाली सुनने का क्राइटेरिया ये होता है ना कि आप अपने वाले को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको गाली पड़ रही है। एंड द थिंग इज, एंड द थिंग इज, हम किसी के बारे में कुछ बोलते भी नहीं वजाद भाई, फिर भी हमको गाली देते हैं। हम किसी के बारे में ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम बस अपनी बातें करते कि फुकरा को सपोर्ट करो, पांडा गैंग ये करो वो करो। तो गाइस उसी लाइव स्ट्रीम के अंदर टिगर इंसान आगे बात करते अपने ट्विटर स्पेस वाले कंट्रोवर्सी के बारे में। तो टिगर इंसान बताया कि इस वाले कंट्रोवर्सी के कारण उनको तो काफी ज्यादा हेट मिला और साथ ही साथ उनके फैमिली मेंबर्स और उनके सिस्टर को भी काफी सारे लोग गाली वगैरह दे रहे थे। जहाँ पे यू आर लाइक यार ये तो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर था, ये क्यों हो रहा है। जिस दिन उस ट्विटर स्पेस में मैंने सुना ना भाई कि मम्मी और प्रेरणा को ओपनली लिटरली ओपनली थ्रेटन एंड ना जाने क्या क्या गंदी गंदी गालियां बोली जा रही हैं, बाय गॉड भैया कसम से बोल रहा हूं मैं, उस आदमी को जो वो उस वक्त वो जो बोल रहा था ना वो सारी गालियां, मेरे को पता नहीं कौन है सैडली, बस वो बंदा एक बार सैडली नहीं हैप्पीली अच्छा है ऐसे इंसान के बारे में जानने से कि भाई हम ना जाने वो जो हैप्पीली वो एंड द थिंग इज वो रियल आईडी से नहीं आ सकते पता है बजाज भाई यार, एक बार मिलना चाहता हूं मैं उस बंदे से यार। अरे क्यों मिलना है भाई, अपना इतना प्रेशियस वक्त, हम जो इतने प्यारे लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं हमें, उनसे मिले, खुश करें लोगों को। द वे यू मेट पीपल इन द मीटअप, लोग कैसे पागल दीवानों की तरह आपको सपोर्ट कर रहे थे, अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे वहां पर, ऐसे लोगों से मिलने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया जाए या फिर वैसे लोगों को मिलने के लिए। अग्रीड बजाज भाई, अरे भैया आप समझे मैं किस सेंस में मिलने की बात कर रहा था, बट कोई नहीं। अरे मैं समझ गया भाई, बट ठीक है चल। आप सोच रहे हो मैं उसको ऐसा प्यार से हग करने वाला हूँ। आ भाई भाई बहुत अच्छा भाई। वैसे क्या पता हग करने के बाद वो भी अपना दीवाना हो जाए।